हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया ठीक है तो बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अ कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है इस कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है इफ़ द प्रोग्राम प्रोग्रामर does not provide any constructor then the compiler will supply a default constructor। जब हम लोग प्रोग्रामर कौन हुए हम लोग अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर डेवलप कर देता सप्लाई कर देता है ठीक है जैसे हम लोग जितने भी क्लास सब्जेक्ट के प्रोग्राम बना रहे थे कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले तो उसमें तो कंस्ट्रक्टर बना नहीं रहते तो कंपाइलर क्या कर रहा था सारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर खुद से सप्लाई कर दे रहा था ठीक है और वैसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है तो कंस्ट्रक्टर का, का काम हम लोग पिछला प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि उसका काम है वेरिएबल इनिशलाइज करना ठीक है वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना तो वहाँ पर जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करता है कंपाइलर तो वो कौन सा वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वो जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको ज़ीरो से इनसलाइज कर देता है ठीक है वो ऑटोमेटिकली सबको ज़ीरो से इनिसलाइज कर देता है तो वैसे कंस्ट्रक्टर को कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी वो कंस्ट्रक्टर जो आप नहीं बनाए हो अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हो अपने आप वो जनरेट हो रहा है ठीक है सेकेंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ पैरामीटर हो द कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स ठीक है डिफ़ॉल्ट में क्या था विदाउट पैरामीटर्स इसमें है विथ पैरामीटर्स आर नॉन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वंस वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट 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 मतलब पैरामीटर अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ डिक्लेयर uh, करते हैं तो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिकम्स ही डन तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जो कंपाइलर सप्लाई कर रहा था अपने आप वो फिर आपके लिए किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हिडन हो जाएगा छुप जाएगा क्योंकि आप खुद बना रहे हो कंस्ट्रक्टर जब हम लोग अपने प्रोग्राम में खुद से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब कंपाइलर नहीं बनाएगा ठीक है वही चीज़ लिखा है कि वंस वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर जब हम लोग एक बार कंस्ट्रक्टर बना देते हैं विथ आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर के साथ आर्ग्यूमेंट के जगह पर पैरामीटर भी लिख सकते हैं तो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिकम्स हिडन तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा छुप जाएगा काम नहीं करेगा और नेक्स्ट है जो थर्ड है कैटेगरी वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ दैट कंस्ट्रक्टर विच इज़ यूज टू इनिसलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट का पूरा का पूरा वैल्यू कॉपी हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट में इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉपी कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में वो स्टोर करा देता है ऑफ़ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास यानी एक ही क्लास में वो काम करता है ठीक है तो ये हो गया हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन अब यहाँ पर देखिए चूंकि कंस्ट्रक्टर का एक से ज़्यादा टाइप है तो हम लोग एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जितना टाइप है उतना टाइप का कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं और जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप एक ही प्रोग्राम में बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ओवरलोड हो गया ना कंस्ट्रक्टर का फंक्शन ओवरलोडिंग भी हम लोग देखे थे उसमें भी क्या था सेम नेम का फंक्शन एक से ज़्यादा बार हम लोग बना रहे थे ठीक है तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग था उसी तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल दीजिए आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में देखिए एक प्रोग्राम बना के रखें क्लास बनाए हैं सैम्पल नाम से ठीक है एक वेरिएबल ले लिया आई और पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर बना दिए जिसमें आई के अंदर जीरो स्टोर कर दिए ठीक है जीरो या वो टेन स्टोर कर देते हैं ठीक है इसको टेन कर देते तो आई के अंदर हम टेन को स्टोर कर दिए तो ये कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर क्या है ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है तो देखो लिख दिए और इसका कोई टाइप नहीं होता है ठीक है ना तो रिटर्न टाइप होगा ना वर्ड होगा ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसके बाद देखिए एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे इसका भी नाम क्या है क्लास के नाम से मैच कर रहा लेकिन इसके अंदर पैरामीटर पैरामीटर दिख रहा है ना इंट ए ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर कहलाता है यानी आर्ग्यूमेंट तो जब पैरामीटर होगा तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अब ये जो a का वैल्यू इधर से रिटर्न आएगा ठीक है तो वो a का वैल्यू फिर आई में जाके इनिशियलाइज हो जाएगा ठीक है वो एक का वैल्यू आई में जाके निशलाइज हो जाएगा तो इस तरह से हम पैरामीटराइज बना दिए तो दो कंस्ट्रक्टर हम बना रहे एक सिंपल कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है तो ये क्या कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और एक सिंपल सा हम फंक्शन ले लिए हैं जिसका नाम सो रखें यहाँ इसका टाइप लिखना ज़रूरी है वर्ड सो ठीक है इसलिए कि सिंपल फंक्शन है तो सिंपल फंक्शन का टाइप लिखना ज़रूरी है तो ये मेम्बर फंक्शन हुआ जिसका काम है आय का वैल्यू को डिस्प्ले करा देना बस ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्लास को बंद कर दिए और यहाँ हम मेन तैयार कर रहे हैं मेन के अंदर हम सैम्पल एस वन एस वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ठीक है तो जैसे ही एस वन लिखेंगे ये क्या करेगा दो काम करेगा ना लास्ट क्लास में बताया मेमोरी एलोकेशन और कंस्ट्रक्टर कॉल ठीक है तो दो काम करेगा तो जैसे एस वन बनाइएगा तो ये मान लेते हैं मेरा रैम है ठीक है यहाँ से यहाँ तक अगर रैम है तो इस रैम में एस वन नाम से एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा एस वन नाम से ठीक है तो मेमोरी एलोकेट हो गया अच्छा एस वन नाम से ऑब्जेक्ट किसके लिए तैयार हो रहा है सैंपल के लिए क्लास के लिए तो सैंपल में आई है तो आई के लिए ये स्पेस तैयार कर देगा ठीक है सिर्फ आई था ना और तो कुछ नहीं अब हम क्या कर रहे हैं एस वन डॉट सो तो ये जो ऑब्जेक्ट है एस वन जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है अच्छा इससे पहले एक तो हो गया मेमोरी एलोकेशन दूसरा काम क्या है कंस्ट्रक्टर कॉल तो ये लगे लगे कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर देगा ठीक है कंस्ट्रक्टर कॉल किया और आई में क्या स्टोर हो गया टेन तो यानी कि यहाँ पर आई में टेन स्टोर हो गया टेन स्टोर करने के बाद ये रिटर्न वापस ठीक है दो काम हो गया इसका पहले मेमोरी लोकेशन फिर कंस्ट्रक्टर कॉल अब क्या कर रहे है? हैं एस वन डॉट सो सो को कॉल कर रहे हैं तो ये आएगा सो के पास और आई का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा यानी अगर मेरा ये आउटपुट है तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा आई का वैल्यू आई में टेन है टेन स्टोर डिस्प्ले हो जाएगा डिस्प्ले करने के बाद ये वापस रिटर्न ठीक है तो ये हो गया दो लाइन काम ख़त्म अब ये तीसरा लाइन क्या कर रहा है फिर से एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर एस वन नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे थे यहाँ पर एस टू जितना चाहें उतना ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं ठीक है तो एस टू नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी तो दो काम करेगा ठीक है जो ये कर रहा था वही ये भी करेगा एस टू भी करेगा ये भी मेमोरी एलोकेस्ट करेगा और ये भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने साथ पैरामीटर लेके आया ठीक है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जिसको पैरामीटर कहते हैं और ये क्या था बिना पैरामीटर का था तो जब पैरामीटर नहीं होगा तो बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब पैरामीटर होगा तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ठीक है तो यहाँ पर टेन तो ये टेन चला जाएगा ए के पास पैरामीटर के पास पैरामीटर जो टेन है वो सप्लाई हो जाएगा ए को तो ए का वैल्यू हो गया कितना टेन अब ये टेन यानी ए का वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा आई में ठीक है तो ये तो देखिए ये तो दो काम कर रहा था ना पहले मेमोरी एलोकेशन तो मेमोरी एलोकेट कर लीजिए रैम में किस नाम से एस टू नाम से ठीक है मेमोरी एलोकेट हुआ किसके लिए सैम्पल के लिए तो सैम्पल में आई है तो ये भी एक स्पेस क्रिएट किया दूसरा काम क्या था कंस्ट्रक्टर कॉल तो ये गया यहाँ पर टेन को ले जा करके सप्लाई कर दिया ए को और ए सप्लाई कर दिया किसको को आई को तो आई में टेन स्टोर हो गया टेन या फिर यहाँ पर ट्वेंटी लिख दीजिए अगर कन्फ्यूज़न से थोड़ा बचना है तो यहाँ ट्वेंटी कर देते हैं ठीक है तो ये ट्वेंटी ले जा करके यहाँ पर दे दिया ए को और ये ट्वेंटी स्टोर हो गया आई में तो आई में ट्वेंटी स्टोर हो गया मेरा ठीक है ये भी काम कंप्लीट करके रिटर्न अब क्या कर रहे हैं हम एस टू डॉट सो सो को कॉल कर रहे हैं तो ये फिर जाएगा एस टू सो के पास सो so फंक्शन और सो so फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा आई को डिस्प्ले कौन से आई को डिस्प्ले टेन को कि ट्वेंटी को ऑब्वियस अब आते हैं ट्वेंटी को क्योंकि हम एस टू को कॉल कर रहे हैं ना एस टू डॉट्स वो तो एस टू के अंदर जो आई का वैल्यू वो डिस्प्ले होगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा ट्वेंटी यहाँ पर स्पेस देखे ट्वेंटी ठीक है ये रिटर्न आया फिर काम ख़त्म गेट सी एच प्रोग्राम यहाँ ख़त्म तो देखिए दो बार ऑब्जेक्ट बना रहे थे एक बार बना रहे थे तो ये सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था दूसरे बार बना रहे थे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था ठीक है ये मेरा आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, और ये है मेरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर शो कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम ठीक है आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग डिस्ट्रक्टर पर डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू